हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। पितृपक्ष के दौरान ये चार उपाय यदि आप करेंगे तो आपके सारे दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएंगे। इन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहा है जो कि 6 सितंबर से भाद्रव की पूर्णिमा पर आरंभ हुआ था और 20 सितंबर यानी अश्विन माह की अमावस्या तक रहेगा। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध में पितर देवता को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं, आइए जानते हैं, ताकि आपके साथ दुर्भाग्य ना रहे और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। पहली, पितृपक्ष में कौओं को खाना खिलाने से दुर्भाग्य का काला साया छूट जाता है और पितृ देवता हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जब भी पितृपक्ष चल रहा हो तो पीपल के पेड़ का काफी महत्व बढ़ जाता है। पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। तीसरा, पितृपक्ष में रोज काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, साथ ही मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से अटके हुए काम पूरे होने लगते हैं। चौथा बात, श्राद्ध में पितृ देवता पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इस दौरान रोज सुबह गीता का पाठ करना चाहिए ताकि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो इन पितृपक्ष के दौरान ये चार उपाय आप जरूर करिए, आपका जितना भी दुर्भाग्य है वह सब दूर हो जाएगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।